दूं तुम्हें मेरे आज क्या है दूं तुम्हें ओके तो फ्रेंड कैसा लगा है आज का प्रीव्यू स्टेटस, आप लोग हमें एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड दोस्तों आप लोगों ने जो भी प्रीव्यू देखा है, आप भी कुछ इस तरह का स्टेटस बनाना चाहते हैं अपना फोटो लगा के एंड अपने फ्रेंड का फोटो लगा के, तो आपको वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक बिना स्किप करके स्टेप बाय स्टेप देखना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताया हूँ कि कुछ इस तरह का कैसे आप स्टेटस जो है क्रिएट कर सकते दोस्तों, वो भी अपने स्मार्टफोन से बहुत यूनिक तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो आप लोगों को कुछ इस तरह का स्टेटस क्रिएट करने के लिए हम दो एप्लीकेशन का यूज करने वाले हैं। पहला दोस्तों आपको अलाइट मोशन है, जो कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पिन किया हुआ मिल जाएगा। एंड दूसरा जो है पीकार्ट एप्लीकेशन है, ठीक है, आपको प्ले स्टोर पर इजीली मिल जाएगा, आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड आपको करना क्या है, तो दोस्तों आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, कि जो लोग आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आपको प्रेस कर लेना होगा। एंड वीडियो को लाइक करके एक प्यार से कमेंट करके भी बताना है कि आज का प्रीव्यू स्टेटस आपको कैसा लगा है। एंड दोस्तों आपको सब्सक्राइब याद से कर लेना होगा, क्योंकि आपको इस तरह का रिलेटेड वीडियो डेली देखने के लिए मिलता रहता है। तो आपको करना क्या, सिंपल से आपको जो अलाइट मोशन एप्लीकेशन है इसको ओपन कर लेना होगा, ठीक है। अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो आपको करना क्या, सिंपल से प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना होगा। प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देने के बाद आपको कह दूँ तुम्हें सॉन्गिट मार्क एंड ट्रेंडिंग सेगमेंट, ठीक है, इन दोनों प्रीसेट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं दे दिया हूँ, आप जो कि जाके इम्पोर्ट कर लीजिएगा। एंड आपको करना क्या है, आपका जो सॉन्ग इतना प्रोजेक्ट है इसको ओपन करेंगे दोस्तों, तो यहाँ आप देखेंगे इसमें कुछ लिरिक में लिख के दिया हूँ दोस्तों, जिनके आपको फ़ॉन्ट ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको फ़ॉन्ट मिसिंग दिखने के लिए मिलेगा, जिसका फ़ॉन्ट में जो ये फ़ॉन्ट में यूज किया हूँ दोस्तों, ये फ़ॉन्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, फ़ॉन्ट को ऐड करना है, ठीक है। तो फ़ॉन्ट ऐड करने के लिए आपको कैद पर क्लिक कर देना होगा, एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करके इस पर आपको नाम पर क्लिक करना है, ठीक है। नाम पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको व्यूज ऑल फ़ॉन्ट पर क्लिक करना है, थ्री पे जाना है ना, कोई इंपोर्ट फोन पे क्लिक करके डाउनलोड वाले पे रिसेंट में भी जा सकते हैं ना, चाहे तो डाउनलोड वाले में जाके आपको नीचे से आके यहाँ पे ऐड कर लेना होगा, ठीक है। ऐड करेंगे तो आप यहाँ ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐड करके आपको क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल से स्टार्टिंग पे आ जाना होगा, आने के बाद आपको कोई भी इमेज को सिलेक्ट करना होगा, कोई भी साइज का, ठीक है। तो क्या करना है, प्लस आइकन पे क्लिक कर देना होगा एंड आपको मीडिया पे क्लिक कर देना होगा, कोई भी आपको इमेज को फोल्डर से यहाँ पे नाम पे क्लिक करके कोई भी फोल्डर सेलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। एंड आपको कोई भी फोटो सेलेक्ट करना है, थ्री डॉट पे जाना है, फिल कमीशन पे क्लिक करके एंड आपको यहाँ तक, ठीक है, दो सेकंड दो तक जो है सब्जेक्ट में ला के कुछ इस तरह से क्या करना है, राइट हैंड पे यहाँ पे साइड से क्लिक करना, ठीक है। एंड आपको कुछ इस तरह से नीचे ला देना होगा इसके, ठीक है। नीचे ला देने के बाद आपको क्या करना है, बैक आ जाना होगा, ठीक है ना। अपने जो सेगमेंट प्रीसेट है उसको पेन करने के बाद यहाँ से आपको जो इमेज दिख रहा है इस इमेज के लेयर के पे क्लिक करके इफेक्ट पे जाना है, थ्री डॉट पे जाकर इसको कॉपी इफेक्ट कर लेना होगा। एंड आपको बैक आके अपना जो सॉन्ग में आप प्रोजेक्ट है इसको पेन करने के बाद आपको जो फोटो दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना होगा, इफेक्ट पे जाकर थ्री डॉट पे जाके पेस्ट करेंगे दोस्तों। तो आप देखेंगे बहुत यूनिक तरीके से यहाँ पे हमारा सेट हो जाएगा, ठीक है। हो जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको कुछ इमेजेस के लेयर दिख जाएंगे, ठीक है, जिसमें आपको इमेजेस को ऐड करना है। तो आपको इमेजेस को ऐड करने के लिए पहले तो आपको बैक आ जाना होगा, ठीक है। बैक आने के बाद आपको जो क्या करना है, कुछ साइज बाय साइज इमेज को क्रॉप करना है। तो आपको कैसे क्रॉप करना है, तो आपको पहले तो पीकार एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा, ठीक है। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा, तो आपको करना क्या है, प्लस लेकिन पे क्लिक कर देना होगा, एडिट टेक्स्ट पे आ जाना होगा, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर सारा कुछ गैलरी ओपन हो जाएगा। तो आपको करना क्या, कोई भी एक इमेज को सिलेक्ट करना है, टूल्स पे क्लिक कर देना होगा, क्रॉप पे जाना है, एंड आपको यहाँ पे मिल जाएगा स्टोरेज, ठीक है। स्टोरेज पे क्लिक करके इस फोटो को यहाँ पे दोनों हाथ से सब्जेक्ट में ला के कुछ इस तरह से राइट हैंड पे क्लिक करके सेव कर लेना होगा। एंड आपको बैक करना है, ठीक है। आपको दूसरे इमेज को सिलेक्ट करके टूल्स पे क्लिक करना है, क्रॉप पे जाके स्टोरेज पे क्लिक करके इसको भी आपको सब्जेक्ट में ला के फोटो को यहाँ पे राइट हैंड पे क्लिक करके इसको भी सेव कर लेना होगा, ठीक है। एंड आपको बैक करना है, बैक करने के बाद आपको एक साइज को और क्रॉप करना पड़ेगा, जो कि दोस्तों क्या करना, कोई भी फोटो सिलेक्ट करना है, टूल्स पे क्लिक कर देना होगा, क्रॉप पे जाके यहाँ पे आपको मिल जाएगा पोर्ट्रेट, ठीक है। तो पोर्ट्रेट पे क्लिक करेंगे, जैसे आपको साइड से क्लिक करके कुछ इधर से आपको यहाँ पे ला देना होगा एकदम बीच में, ठीक है, सब्जेक्ट में एकदम ला देने के बाद आपको राइट पे क्लिक करके सेव करना है। सेव करने के बाद इसमें आपको जो है कम से कम 6 से 7 फोटो को पोर्ट्रेट साइज का क्रॉप करना है। एंड आपको दोस्तों 3 से 4 इमेजेस को आपको उस तरह से
स्टोरी साइज का इमेज को क्रॉप करना होगा, ठीक है। क्रॉप करने बाद आपको बाइक आ जाना होगा, अपने जो प्रीसेट है उसको ओपन कर लेना होगा, ठीक है। तो मैं लेट में सबको ओपन कर लेता हूँ, थोड़ा से वेट करना, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आएंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। तो बैकग्राउंड इमेज पे क्लिक कर देना होगा, कलर फिल पे जाना, इंस्टॉल आइकन पे कुछ तरह से क्लिक करके, नाम पे क्लिक करके, पी कार्ट एप्लीकेशन का फोल्डर सिलेक्ट करके, कोई भी आपको इमेज का एड करके प्लस आइकन पे क्लिक कर देना होगा ना। आप देखेंगे बहुत ही आसान तरीके से मेरे यहाँ पे सेट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से आपको इमेजेस का लेयर दिख जाएगा, तो इमेज पे क्लिक कर देना होगा, कलर फिल पे जाना, इंस्टॉल आइकन पे आके कोई भी स्टोरेज साइज का इमेज एड करके यहाँ से आपको प्लस आइकन पे क्लिक कर देना होगा ना। आप देखेंगे बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे भी हमारा सेट हो जाएगा, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे आपको दो सेकंड दो पे आने के बाद यहाँ पे वी आपको कैसे ऐड करना, तो बाइक आ जाना होगा। बाइक आने बाद आपको जो यहाँ पे दोस्तों पी कार्ट एप्लीकेशन असर बना, आपको जो प्रोजेक्ट है इस पर क्लिक करके सेगमेंट पे आना है, ठीक है। एंड आपको सेगमेंट पे आने के बाद यहाँ से आपको जो कुछ इस तरह से लेयर देखने के मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको पहले तो कोई क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ग्रुप वन मिल जाएगा, ठीक है। तो ग्रुप वन पे क्लिक करना होगा, एडिट ग्रुप पे आके कुछ इस तरह से यहाँ पे मिल जाएगा ग्रुप वन, ठीक है। तो ग्रुप वन पे क्लिक करना होगा, एडिट ग्रुप पे क्लिक करना है। एंड आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से मिल जाएगा इमेज, ठीक है। तो इमेज पे क्लिक कर देना होगा, कलर फिल पे जाना, इंस्टॉल आइकन पे आके स्टोरेज साइज का कोई भी इमेज को सिलेक्ट करके प्लस आइकन में क्लिक करना है। आपको बाइक करना, ठीक है। एंड आप देखेंगे इमेजेस के लिए छोटा हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फिर से दूसरे इमेज पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। एडिट ग्रुप पे आके यहाँ पे जो इमेज लिखा है इस पे क्लिक करके कलर फिल पे जाकर इंस्टॉल आइकन पे आके कोई भी स्टोरेज साइज का इमेज कर करके प्लस आइकन पे क्लिक करके बाइक करना है, ठीक है। फिर से आपको बाइक करना है, आपको यहाँ पे कुछ तरह से साइड पे आके लास्ट में आने के बाद वेट किए, ठीक है। इस पर फोटो पे क्लिक करना है, इससे यहाँ पे एडजस्ट करना, ठीक है। आप देखेंगे बहुत ही आसान तरीके से आपका एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको फिर से लास्ट में आके ग्रुप एडिटेक्स पे आके उसको ग्रुप एग्जिट करके यहाँ पे भी आपको ऐड करना, ठीक है। ऐड करने बाद आपको लास्ट में आके यहाँ पे भी आपको सिलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है ना। आप देखेंगे यहाँ पे सारा कुछ कंप्लीट हो जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से साइड से क्लिक करके तीनों को सिलेक्ट कर लेना होगा। एंड आपको तीर के बगल में सिलेक्शन पे क्लिक करके कॉपी लेयर करना है। एंड आपको बाइक आके अपने सॉन्गिट में प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना होगा, ठीक है। यहाँ पे ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे आ जाना होगा, दो सेकंड दोनों पे आने के बाद लेयर लेकिन पे क्लिक करके पेस्ट लेयर करना है। एंड आप देखेंगे आप यहाँ सेट हो जाएगा, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, कुछ इस तरह से यहाँ से आपको मिल जाएंगे दोस्तों इमेजेस, ठीक है, पीएनजी इमेज, ठीक है। तो आपको इसमें पीएनजी इमेज देखेंगे तो कुछ इस तरह से इस तरह का साइज दिख रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस तरह का साइज इमेज को क्रॉप करने के लिए आपको पहले तो क्या करना है, बाइक आ जाना होगा, ठीक है। बाइक आने के बाद आपको पहले तो क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना होगा प्लस आइकन पे, ठीक है। आपको 916 का रेशियो सिलेक्ट करके कुछ तरह से क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना होगा। एंड आपको प्लस पे जाना है, मीडिया पे जाके कोई भी आपको इमेज को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो सिलेक्ट करके थ्री डॉट पे जाके फिर कॉमेसर पे क्लिक करके फुल स्क्रीन कर लेना होगा, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे फिर से मिल जाएगा प्लस आइकन पे क्लिक कर देना होगा। एंड आपको इस तरह से यहाँ पे मिल जाएगा स्टार, ठीक है। तो स्टार पे क्लिक करके कुछ इस तरह से मोबाइल ट्रांसफॉर्म पे आके यहाँ से आपको एक दो तीसरे वाले पे क्लिक करके यहाँ पे इस तरह से बड़ा कर लेना होगा, ठीक है। कुछ इस तरह से आप अपन अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद आपको बाइक करना है। एंड आपको यहाँ पे मिल जाएगा ब्लेंडिंग इन ऑपेसिटी, इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा तो मार्क्स, ठीक है। तो मार्क्स पे क्लिक करके यहाँ से आपको स्लोली पे क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ से आपको सेटिंग पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे दिएगा दोस्तों ब्लैक, ठीक है। तो ब्लैक पे क्लिक करके यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कर देना होगा, ठीक है। ट्रांसपेरेंट करने के बाद आपको यहाँ पे कट कर लेना होगा। एंड आपको क्या करना है, फोटो को सेव करना होगा, ठीक है। तो सेव करने के लिए आपको सेटिंग के बगल में बॉक्स पे क्लिक करके करंट फ्रेम एक्सपेंसिव पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर देना होगा, ठीक है। एक्सपोर्ट करने के बाद इसको सेव कर लेना होगा। आपको बाइक करना है, इसको स्टार को डिलीट कर लेना होगा। एंड आपको फिर से प्लस लाइकन पे जाके मीडिया पे जाके कुछ थोड़ा आपको सेव सबसे पे आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके आपको फिर से आगे जाना होगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ये वाला, ठीक है। इसको भी सिलेक्ट करना है, मोबाइल ट्रांसफॉर्म पे आके इसको भी कुछ इस तरह से थोड़ा सा ही बड़ा करने के बाद आपको बाइक करना है। ब्लेंडिंग ऑपेसिटी पे जाके लास्ट पे आके मार्क्स पे क्लिक करके इसको भी कर लेना होगा कुछ इस तरह से, ठीक है ना। आपको सेटिंग बार में उसमें आपको फोटो को चेंज करना है, ठीक है। तो मैं कुछ तरह से कोई भी इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंड आपको साइड से क्लिक करके इसको नीचे ला के सेटिंग वाले बॉक्स पे क्लिक करके करंट फ्रेम एक्सपेंसिव पे क्लिक करके इसको भी एक्सपोर्ट कर देना होगा, ठीक है। एक्सपोर्ट कर देने के बाद इसको भी सेव करना है। आपको बाइक आके फोटो को डिलीट करना है। एंड आपको दूसरा फोटो सिलेक्ट करके थ्री डॉट पे जाके फिल कॉमेंट पे क्लिक करके इसको भी आपको जो सेव दिए इसको डिलीट करके फिर से प्लस आइकन पे जाके यहाँ पे आपको मिलेगा हार्ट वाला, ठीक है। इसको सिलेक्ट करना है, मोबाइल ट्रांसफॉर्म पे आके इस तरह से आपको जूम इन करना है, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे सब्जेक्ट मिला के आपको ब्लेंडिंग ऑपेसिटी पे जाके लास्ट में आके इसमें भी आपको इस तरह से करके सेटिंग वाले बॉक्स पे क्लिक करके करंट फ्रेम एक्सपेंसिव पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर देना होगा, ठीक है। एक्सपोर्ट कर देने बाद सेव करना, सेव करने बाद बैक आ जाना होगा ना। अपने जो सॉन्गविट में प्रोजेक्ट है इसको ओपन कर लेना होगा, ठीक है। ओपन करेंगे दोस्तों, यहाँ से आपको जो रेड कलर का दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे जो इसमें आपको जो है
ये वाला सेप लेना। ठीक है, तो लेने के लिए आपको पीएनजी इमेज पे क्लिक कर देना होगा, कलर फिल पे जाना, स्टोरी कैन पे आके यहाँ से आपको यहाँ पे अलाइट मोशन का एप्लीकेशन का फोल्डर सेलेक्ट करके आपको ऐड करना हो। ठीक है, तो आपने यहाँ देखे तो यहाँ पे ये इस वाले को ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड करने के लिए आपको इसको सिलेक्ट करना है, प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना होगा। आप देखेंगे बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे मेरा सेट हो जाएगा। फिर से आपको हार्ट वाला मिल जाएगा, तो हार्ट वाले पे क्लिक करके कलर फिल जाके स्टोरी आइकन पे आके यहाँ पे हार्ट वाला लेना होगा। ठीक है, आपको ऐड करना। ठीक है, आपको दूसरे में तीसरे वाले पे क्लिक करके कलर फिल जाके स्टोरी आइकन पे क्लिक करके स्टार वाले ऐड करना होगा। ठीक है, स्टार वाले को ऐड कर देने के बाद आप देखेंगे दोस्तों बाइक आएंगे तो सेगमेंट फिर से मिल जाएगा। ठीक है, तो सेगमेंट पे आपको तीनों यहाँ पे दोस्तों इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें आपको क्या करना, तीनों को कुछ तरह से सिलेक्ट करना, तीर के बगल में इस लिंक पे क्लिक करके कॉपी थ्री लेयर करके एंड आपको बाइक आ जाना होगा। ठीक है, अपने सॉन्गिट में आप प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना होगा ना, आपको तीर के बगल में लेयर आइकन पे क्लिक करके पेस्ट लेयर करना, फिर से आपको फोटो को इस तरह से पेस्ट लेयर करना होगा। ठीक है, तीन फोटो को छोड़ के जो यहाँ से पेस्ट लेयर करना होगा ना, आपको जो आप देखेंगे फोटो का लेंथ जो इधर उधर हो रहा है। ठीक है, तो आपको करना क्या, फोटो पे क्लिक करना होगा, घरेलू ऑप्शन पे जाके इस तरह से आपको एडजस्ट करना होगा। फिर से आपको फोटो पे क्लिक करके इस तरह से एडजस्ट भी कर सकते हैं ना, आपको लास्ट वाले लेयर पे क्लिक करके मैं पेस्ट लेयर कर लेता हूँ, इस तरह से आपको सब्जेक्ट में ला के इस तरह से कुछ तरह से कट भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से मैं कट कर लेता हूँ। आप जो सारे इमेज को कट करने के बाद आपको क्या करना है, इन सारे इमेज को इमेज जो है चेंज करना। ठीक है, तो चेंज करने के लिए आपको प्ले इमेज पे क्लिक कर देना होगा, कलर फिल जाके स्टोरी कैन पे आके आपने जो भी जो पिकार्ट एप्लीकेशन से जो स्टोर पोर्ट्रेट साइज का जो इमेज क्रॉप किया है उनमें से आपको कोई भी एक इमेज को सिलेक्ट करके प्लस लाइकन पे क्लिक कर देना होगा, दूसरे इमेज पे क्लिक कर देना होगा, कलर फिल जाके स्टोरी कैन पे आके यहाँ पे आपको कोई भी इमेज को सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इसे आपको जो सारे इमेज आपको क्रॉप क्या रहेंगे दोस्तों, इन सारे में इस पे करो यहाँ पे दोस्तों पोर्ट्रेट साइज का इमेजेस को ऐड कर लेना होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ दोस्तों, आप जो सारे इमेजेस पे ऐड कर लीजिएगा। तो मैं लास्ट में यूज कर लेता हूँ, आप जो सारे इमेजेस पे ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको जो पीएनजी में दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, सिंपली से इसको ऊपर ला देना होगा। ठीक है, फिर से आपको दूसरे में पीएनजी में इस पर क्लिक कर देना होगा, यहाँ पे साइड से इसको भी ऊपर ला देना होगा, फिर से आपको दूसरा मिल जाएगा पीएनजी में। ठीक है, तीसरा वाला लास्ट वाला, ठीक है, इसको भी साइड से क्लिक करके इसको यहाँ पे ऊपर ला देना होगा। ठीक है, एंड आप देखेंगे बहुत ही आसान तरीके से हमारा पे स्टेटस जो है कम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है, स्टेटस जो है कम्प्लीट हो जाने के बाद आपको क्या करना है, स्टेटस को एक्सपोर्ट करना है एंड अपने गैलरी में जो सेव करना है, तो गैलरी में सेव करने के लिए आपको सेटिंग के बॉक्स पे क्लिक करके दोस्तों यहाँ से एक्सपोर्ट करते होगा।